ओडिशा फेरिछंती अंडर 19 एशिया कप विजेता राजेश महंती भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचिया परे तांको उच्छ्वसित संबर्धना दिया जायछि। फेरिबा परे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे से कहिछंती भारतीय दलर सदस्य हेबा एवं देश पई एशिया कप जितिथिबारु से बहुत खुशी अछंती। व्यक्तिगत प्रदर्शन रे संतुष्ट नथिले मध्य दलगत प्रदर्शन जको बहुत खुशी अछंती। ओडिशारु एकमात्र खेळाळी भाबरे से गतकाली ढाकारे अनुष्ठित अंडर 19 एशिया टूर्नामेंट फाइनाल रे खेळीथिले। 4 ओवर बोलिंग करी गोटे मेडन ओवर पाइबा सहित राजेश 18 रन व्यय करथिले। 144 रन रे भारत श्रीलंका को परास्त करी चैंपियन होईछे। आपण देखि परुछंती भुवनेश्वर विमानबंदर रे राजेश महांती को केमिति उच्छ्वसित संबर्धना दिया जाइछि। तो ए सफलता संपर्क रे निजे राजेश को सहित कथा हबा। हम सहित राजेश जोड़ी होती वर्तमान समय राजेश आपण को स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को। तो प्रथम शुभेच्छा जनईबि अभिनंदन जनईबि। प्रथम प्रतिक्रिया कौन रहिबो एशिया कप विजेता दलर सदस्य हेबा परे आपण? बहुत खुशी लगुच्छी जेहेतु आम देश किसी करिया को पाइलु आ माने आम देश एशिया कप जितिलु से बहुत खुशी लगुच्छे। तो व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकिन आपड़ संतुष्ट ना कहुच्छे तीन टी मैच आप खेलें मात्र गोटे विकेट पाई आउटे उन्नत प्रदर्शन आसपार था कि? हाँ निश्चित आहरी भल परफर्म कर पारि था कि फिर भी ठीक अच्छे जदि भी मानते परफर्म केवल आम हाथ न था हार्डवर्क आम हाथ था एफर्ट आम हाथ था भल एफर्ट दे फिर भी परफर्मांस बेस किसी कहना चाहिए जेहतु आम जीतल देश एशिया कप जीत सहित बहुत खुशी लगुच्छे। तो फाइनल मैच रे आपण रहिबे कि नाही एने गोटे संदेह थिला कि एवं जेतेबेले अधिनायक ठारु बा टीम मैनेजमेंट को ठारु जानिथिबे आपण फाइनल दल रे आपण खेळुछंती बा चुडान्त एकादश रे अछंती कोन लागिथिला सेतेबेले? एक्चुअली सीटी टिके विकेट टिके स्पिनिंग ट्रैक थिला तो सेथिबे हमर गोटे मीडियम पेसर गोटे खेळुथिले जे जे से हमर पूर्व श्रीलंका टूर भी से करथिले तो मो थिला मानने कठिन देखे खेलिया तथा तो किंतु कोच मो भरोसा जतईले आ मतलब प्लेइंग इलेवेन आनते बहुत खुशी लगे जेहतु फाइनाल खेल को मत सुजोग मिला बहुत खुशी लगे। राजेश मोहित जांगरा सहित आप बोलिंग ओपन कले तो प्रकृत में जो मैंने स्ट्राइक बोलर प्रथम दुईज बोलर को नहीं जो बोलिंग ओपन कराए भितर राजेश महांती थे केते खुशी लगुला जे पूरा टीम आपण भरोसा कर? हाँ सीटा तो निश्चित निज देश प्रतिनिधित्व करवा आ मेन बोलर हिसाब से खेलिया से तो बहुत गर्वित मत लगे से बहुत खुशी मत लगे। तो जो प्रथम बैटिंग कर भारत 305 रन कला जो टार्गेट रहा 300 रु अधिक स्कोर रहा श्रीलंका से ड्रेसिंग रूम माहौल केमी गोटे आलोचना होता कि 300 रन प्लस रन आम करे तो आम चंपिन निश्चित होचे ना बोलर मानक रन भितर अं बैट्समैन को विपक्ष दल बैट्समैन को कमी सीमित रखा से गोटे स्वतंत्र योजना रणनीति प्रस्तुत कर? हाँ आम 305 रन टार्गेट दे बहुत बड़ टार्गेट था श्रीलंका मैंने बड़ मैंने बहुत भल टार्गेट था तो फिर भी आम बेस खुशी नु कारण मैच पूरा सरीगल क्रिकेट एमती गोटे गेम कि तुम लास्ट जाए कहीपरि कौन हम कौन नहीं कोच आम बुझे कि फास्ट इनिंग सरला तेज सेकेंड इनिंग तुम फोकस कर आउ भल आम गोटे भल टीम भल इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ तेणु मैंने अल्प रन टार्गेट भेजा अल आउट कर ट्राए कर। हर्ष त्यागी 6टी विकेट राजेश हर्ष त्यागी 6टी विकेट नहीं फाइनाल रे केमी थिला तांको बोलिंग? बहुत भल बोलिंग करथिले से आघुरी मदे से विकेट नहीं विकेट से आघुरी नहीं भल बोलिंग करथिले आ विकेट तांको स्पिनिंग ट्रैक जो थिला तांको भल टर्न आ बाउंस मिलथिला जेतु से 6टी विकेट नहीं आ मैच जितैथिले। तो आप देखो अंडर 19 खेली वर्तमान समय अधिनायक विराट कोहली अंडर 19 रु युवराज सिंह खेलाड़ी अंडर 19 रु आसते पृथ्वी शॉ अंडर 19 रु आसी प्रथम मैच रे चमत्कार शतक अर्जन करते तो राजेश महांती सीनियर दलर सदस्य हे एमती स्वप्न देखती? हाँ निश्चित जी क्रिकेट खेल इंडिया से प्रथम स्वप्न था प्रथम इंडिया खेल से स्वप्न तो समझ देखते मुझे देखी से स्वप्न। तो देखो देवाशिष महांती पूर्वर इंडिया पर खेली सारी बसंत महांति चमत्कार खेली कैरियर सारा जदिव नेशनल टीम रे सुजोग पाईना किंतु एबे राजेश महांति इमानकर उत्तराधिकारी धराजिबो कि बसंत महांति किंबा देवाशिष महांति जेहेतु समस्ते महांति गोटे चमत्कार संजोग देखंतु ता सहित आपण पेस बोलिंग मध्य करुछंती? हाँ निश्चित सीटे भल संजोग मुझ ट्राए कर 100% देवी आउ मु भल वर्कआउट भी करी जेहेतु मुझ इंडिया पे नॉक करी।
ଆଚ୍ଛା ରାଜେଶ, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା, ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା, ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କେତେ ସୁବିଧା ଦେବ, ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ରେ କେତେ ସୁବିଧା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ଦେବ, କାରଣ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଥାଏ, ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳିବା, ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବୋଲିଂ କରିବା, ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ହୁଏ ସେଇଥିରେ, ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ କାମ ଦେବ ମୋତେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନ୍ରେ। ତ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଖରୁ, ସିମରନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅଧିନାୟକ ସିମରନ୍ ସିଂ, ଏମାନେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଦଳରୁ କିଛି ପିଲା ଅନ୍ତତଃ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଆସିବେ ବା ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଦଳକୁ ଆସିବେ, ଏକଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବା କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଭିତରୁ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୟସ୍ୱାଲ ଯିଏକି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରନ୍ କରୁଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରପ୍ ସିମରନ୍ ଯିଏ ଆମ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ଭାବିଛି କି ପ୍ରପ୍ ସିମରନ୍, ଜୟସ୍ୱାଲ, ଯେମିତି ଯିଏ ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନକ୍ କରିବେ। ତ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଏସୀୟ ଦଳର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ତାର ଆପଣ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ରହିଲେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିନଥାଏ, ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୋ କୋଚ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ, ମଉସା କୋଚ୍ ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ଢାକାର ମିରପୁରରେ ମ୍ୟାଚ୍, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ, ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ କାମ କରିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଏବଂ କୋଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ କୋଚ୍, କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ, କୋଚ୍ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ହଉ କି ଫିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ହଉ କି ବ୍ୟାଟିଂ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆଗକୁ ମୋତେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ରାଜେଶ, କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳେଇଲେ? କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 3 ବର୍ଷ ହେବ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟେନିସ୍ ଭଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ। କ୍ରିକେଟ୍ ମୋତେ ପିଲାଦିନୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବି। ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ, ଖେଳରେ ଆଗକୁ ନା କରୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ଘରେ ବାବା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାଦିନ ମାମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଆସି ଜଟଣୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ସାନିତ କରିବାରେ ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ପଟିଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ରାମେଶ୍ୱର ସ୍ପଟିଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ, କାରଣ ସେଠାରେ ଯେ କୋଚ୍ ଯିଏ ମୋର ଦୀପକ ମଙ୍ଗରା, ସିଏ ତ କୋଚ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଭାଇଠୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି, ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ଖେଳିଛି ଲେବଲ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଳିଛି। ଆଜି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମୋତେ ଏତେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ? ନା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଆସି ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ମୋତେ। ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମହଲରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥିବ, ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଥିବେ, ମିଠା ମାଗୁଥିବେ, ପାର୍ଟି ମାଗୁଥିବେ, ତ କ'ଣ ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ତ ସେଇ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମାହୋଲ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ ଆପଣ, ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଥିଲେ ଆପଣ, ଏସିଆ କପ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, କେତେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, କେତେ ରୋମାଞ୍ଚ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜଠୁ ବଡ଼କି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲୁ, କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆମେ ଅଲ୍ ଏସିଆରେ ଆମେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ, ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତ ଏସିଆ କପ୍ ବିଜୟ ଆସିଲା, ଏତିକିରେ ରାଜେଶ ସୀମିତ ପଡ଼ିବେନି, ଅନ୍ତତଃ ଅଣ୍ଡର 19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ?
हाँ हाँ निश्चित मुझे देखुची आगू ए बर्ष मुझे ट्राए करी मो रणजी ट्रफी सीजन टाइम मुझे भल जब रणजी सुजोग पाइली ओडापी तेल मुझे रणजी ट्रफी प्रथम भल करी देन मुझे ट्राए करी सिनियर इंडिया ट्राए न कर अंडर 19 एशिया कप विजेता दल सदस्य होगापर रणजी ट्रफी अन्यतम प्रमुख दावीदार होती खेलवाईा टीम रही एक जुक्ति उपस्थापन कर हाँ निश्चित करिया कथा जेहेतु मुझे एशिया कप आम चंपियन हो एशिया कप खेल जेहेतु जमी दाबीदार हवा दरकार दीपक मंगराज को छाड़देला ओडिशार कौन कौन से क्रिकेटर आप आदर्श बोली आप मन करती ना सेमती बोधे सेमती मोह आसन तथा फिर भी आम क्लब बहुत सीनियर अच्छा जे आलोक मंगराज अच्छा बहुत जिन बोलिंग में शिखा पाइली इवन परेश पटेल भी आम क्लब सीनियर बहुत जिन शिखा मिलला तो जातीय अंतर्जातीय स्तर रा केउ पेस बॉलर आपन का आदर्श मोर ऑस्ट्रेलिया रा पैट कमिंस आदर्श मोर तो वर्तमान समय रे आज आज आपन फेरी छंती आज दिन केमिति कटिबो कोन सब प्लान हिचे आज दिन पाए ने प्लान सेंती से नै जे आज जेले मु दीटा तीन टा जिंदी क्लब जाए प्रैक्टिस करे से संध्या प्लानिंग मुझे जानी सांग मैंने जहाँ कैर से अनुसार प्लान हम तो राजेश आप जितवा जो कथ कहते दीपक मंगराज क्या फोन कल पाई कि केते उत्साहित समस्त थे आपन को नहीं कितु से कथ बारंबार आसवे आपड़ व्यक्तिगत प्रदर्शन को नहीं निजे ये खुशी नहांती आप जो टैलेंट रही जो प्रतिभा रही आप देख पार सुजोग पारे आहरी भल हो पारिथा एमती गोटे अवशोष रही जाऊँच मनरे हाँ निश्चित अवसर रही कारण मुझे कॉन्फिडेंट थी मुझे परफॉर्म करी फिर भी मुझे ठीक से परफॉर्म कर तथापि मुझ ट्राए मुझे 100% एफर्ट दे परफॉर्मेंस तो निजे हाथ में न था फिर भी एफर्ट निजे हाथ था निजे 100% एफर्ट दे राजेश आपड़ अधिक रन दे रन रेट आप अधिक नाला बोली बेले चार ओवर गोटे बल बोली करते मैडेन गोटे नहीं 18 रन मात्र देते तो आपको संपूर्ण 10 ओवर कोटा पूरण करने कहीं सुजोग मिललानी 8-9 ओवर बोली कहीं सुजोग मिललानी कौन थी पड़िया भितर अधिनायक मत एक्चुअली नुआ बल टे स्विंग होता कि एक्चुअली विकेट थी स्पिनिंग ट्रैक था तो स्पिनर आम दुटा लेफ्ट हैंड स्पिनर सिद्धार्थ देसाई और हर्ष त्यागी बहुत भल बोलर थे से पूर्व बहुत गुड़े विकेट नहीं मत आसते और से जेहेतु स्पिनिंग ट्रैक था स्पेल आरंभ कले बहुत भल बोली चलने विकेट से नहीं जेहेतु सेकेंड डे मत सेकेंड स्पेल मत कैप्टेन मत बोलिंग न तो भारत ये टूर्नामेंट सारा अपराजय रहा गोटे भी मैच हारी एवं गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ प्रथम संस्करण ठार आरंभ कर लगातार भाव में पांच थर एशिया कप जितवा 2017 भारत सेमिफाइनाल विदाय नहीं तो एथर पुणि थे चंपियन पुणि थे कमबैक कर भारत ये अनुभव टी कमी रोचे खुशी दूसरी हाँ यहाँ बहुत खुशी लगे आम टीम माहौल बहुत भल था प्रथम मैच रु स्टार्ट करी इवेन आम क्वाड्रंगल सीरीज आम लखनऊ खेलु से भी आम बहुत भल परफर्म करूँ तो सीटा गोटे प्रोसेस चलता टीम कम्बिनेसन बहुत भल था जेहेतु आम बहुत भल टूर्नामेंट बहुत भल परफर्म कर सब प्लेयर तो रिजल्ट आज मिलला आमको राजेश श्रीलंका विपक्ष फाइनाल मैच को छाड़देला फाइनाल रास्त जो अगर दल गुड़ी आप भेटी केमी थी से प्रदर्शन से शक्ति संपर्क में कौन कहे से तो बहुत अफगानिस्तान बहुत भल साइड था ताठ भी बहुत मैच ये भल कंपिटिशन होता कि आमर सेमिफाइनाल मैच जो था बांग्लादेश सहित आम दु रन जीती से मैच बहुत टफ था कारण कही ना सिचुएसन एम कि आम जितबू कि सी जितबू एमती किसी कही ना से मैच बहुत टफ था आम तो आम आशा करवा राजेश महांती को भारतीय दल के भविष्य में देखा सीनियर दल कथा मुझे कहूँ आप स्वप्न देखते सीनियर दल आज्ञा आज्ञा हाँ हाँ सीनियर समस्त जी क्रिकेट जी स्टार्ट करे कैसे समस्त निज इंडिया स्वप्न देखते मुझे निज देश खेल देश भी निज कि अर्जन करी ख्याति अर्जन करी तो राजेश स्वप्न देखते इच्छा हुए जो मुझे बोली करी विराट कोहली कि रोहित शर्मा मो बॉल को फेस करुवे और मिडिल स्टंप मुझे एमती स्वप्न देखते के हाँ सब एमती स्वप्न भी आसे बेले बेले तो विराट कोहली ना मुझे ट्राए करी मो अन्य बैट्समैन बाहर अन्य नेशनल बैट्समैन आउट करें ट्राए करें
धन्यवाद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपणकर समस्त मतामत आपण अनेक स्वप्न देखी से स्वप्न साकार एवं ओडिया पुओ भाव में एकमात्र ओडिया पुओ भाव में दल में सामिल होती आपण एशिया कप विजयी दल सदस्य होती आपड़ जो स्वप्न देखुंस स्वप्न साकार हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको।